तू रिकॉर्ड कर ले। राकेश टिकैत जी, आज आप कई दिन बाद अपने फेसबुक पेज पर लाइव हैं। कुछ मीडिया के घुमाओ फिराओ की सवाल की वजह से स्पष्ट संदेश किसानों तक नहीं पहुंच पाता, कुछ और लगा लिया जाता है। 6 जून से ये आंदोलन शुरू हुआ और आज ये आंदोलन उस स्थिति में पहुंच गया है कि देश में ही नहीं दुनिया में इस आंदोलन ने पुराने सब रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए एक नया इतिहास रचा है। ये आंदोलन इसलिए भी खास हो जाता है कि ये आंदोलन 3 कानून जून में ये शुरू होता है और पूरे पंजाब से घूमता हुआ, जिस तरह से आज पूरा आंदोलन पंजाब से चल के हरियाणा का आंदोलन बता गया तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बता, उसके बाद जो है अब ये आंदोलन पहुंच गया राजस्थान, इसके बाद पहुंच गया आंदोलन मध्य प्रदेश, इसके बाद ये आंदोलन जा रहा है केरला, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटका, तमाम जगह पूरे देश में आंदोलन है, तमाम जगह आपके कार्यक्रम लग चुके हैं। और जिस तरह से आज तारीख नहीं है संयुक्त मोर्चा के नेताओं के पास, तो क्यों ना ये समझा जाए कि ये आंदोलन जन क्रांति की ओर जा रहा है। हाँ तो जन क्रांति तो है भाई, किसी को दिक्कत कुछ भी हो, दुकानदार आएंगे कह लेगा जी हमें भी बहुत समस्या हो रही, मकावे तुम भी आ जाओ। कोई वे टेम्पू वाले आएंगे कह लेगा जी डीजल बहुत महंगा होगा, सवारी का रेट बढ़ा नहीं सकते, भाई तुम भी आ जाओ। ते तो पूरी समस्या है, तो जनक्रांति है, आंदोलन थोड़ा होगा, ये किसान से शुरू हो के पूरा देश का सवाल ये बनेगा, मजदूरों का बनेगा। ये जो स्कूल वाले हैं, हम उन्हें कह रहे हैं कि भाई उन्हें स्कूलों की फीस माफ नहीं करी, उनका कहना ये है कि जी 20 लाख करोड़ रुपया कोरोना में आया, स्कूलों को भी दे देते, कुछ हम माफ कर देते, कुछ सरकार दे देती, सीधा फायदा वहाँ के जो आम लोग हैं जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनको होता, लेकिन उनका पता नहीं चला 20 लाख करोड़ रुपया कहाँ गया। वो व्यापारियों पर ज़्यादा चलेगा, बड़े बड़े उसको स्कूलों पर भी नहीं कहा, ना कर्मचारियों पर किसी पे कहा। अच्छा, आप जहाँ बैठे हैं ये NH-24 की सर्विस रोड है और ये आंदोलन के मायने इसलिए और बढ़ जाते हैं कि कुछ समय पहले देश के प्रधानमंत्री ने इस NH-24 का उद्घाटन करते हुए कहा था कि यहाँ से जो गाड़ियाँ फर्राटे बढ़ेंगी उनकी स्पीड कम से कम 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की होंगी। साथ प्रधानमंत्री जी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि इस NH-24 पे किसानों के टेंट लगेंगे, यहाँ पे किसान बैठेंगे और इस तरह की तमाम चीज़ें होंगी। इसके बावजूद आज आप जो है सर्दी से शुरू हो के बारिश आप देख चुके हो, गर्मी आ चुकी है, लेकिन कोई भी किसान जो यहाँ पे है वो ये नहीं, एक सवाल उसके मन में जरूर है कि आंदोलन में सफलता कितनी मिलेगी, लेकिन कोई भी आदमी ये नहीं कहता कि आंदोलन समाप्त होना चाहिए। तो बहुत सारे मीडिया सवाल करती है, आज आप अपने पेज पे हैं, किसान जानना चाहते हैं कि किस तरह की तैयारी उनको करनी है, आंदोलन समाप्त की बात नहीं करते वो। अपनी तैयारी रखे भैया, तो किसान खेत में रहे या अपने आंदोलन में रहे, दो ही जगह किसान को रहना पड़ेगा। अगर ये आंदोलन फेल होता है तो देश का किसान फेल होगा और उसकी जमीन ने नहीं बचनी, उसकी रोटी नहीं बचनी, सब बाजार की वस्तु बनेगी। आंदोलन पूर्ण रूप से किसान मजदूर जो गांव में लोग रहते हैं, जो भूख पे जो व्यापार करना चाहते हैं उसके खिलाफ आंदोलन ये है। देश में बड़े बड़े गोदाम बन चुके हैं और जो कटिले तार दिल्ली के चारों तरफ पूरा करे, इस तरह के कटिले तार अनाज के गोदाम के चारों तरफ लगेंगे। तो किसान समझे, अब सारी चीजों को समझे कि अगर फसलों के रेट नहीं उसको मिल रहे तो आंदोलन करना उनको जरूरी है। एक गंभीर विषय ये है कि ये वर्तमान सरकार जब कांग्रेस FDI लेकर आई थी तो इन्होंने उसका विरोध किया था, बाजार में कब्जा करने के लिए इसी सरकार में FDI को लागू किया गया। FDI लागू होने के बावजूद भी हिंदुस्तान का जो 36% बाजार है वो दलहन तिलहन और खाद्य बाजार है जिसमें अन्न भी शामिल हैं। इसके बाद कोरोना काल में 3.5% जो GDP बढ़ी कृषि की और 150% जो डिब्बाबंद भोजन की डिमांड बढ़ी और 148% इमेजिन और फ्लिपकार्ट से सब्जियां खरीदी गई, तो 2-3 कंपनियों की दृष्टि हिंदुस्तान की कृषि पर आ गई। इसको आप बखूबी समझते थे, रात की रात बिल लाए गए, जैसे ही GDP का रेट आया उसके तुरंत बाद जो है जून में ऑर्डिनेंस ले आए, तो FDI से जो बाजार कब्जा नहीं हो सका उस खाद्यान्न के बाजार को कब्जा करने के लिए तीनों बिल लाए गए हैं। आप लोगों ने इसको परखा,
इसको आगे बढ़ाया। पहले ये कहा गया कि भाई पश्चिम में तो गन्ने का किसान है, तमाम देश में यह आंदोलन गया, तो जो बाजार पे कब्जा करने की नियत है। आपका एक सवाल जब महत्वपूर्ण हो जाता है, जब आप ये कहते हो कि रोटी तिजोरी में बंद होगी, तो क्या उसका स्पष्ट संदेश यही है कि देखिए आपका जो खाद्यान्न है वो कंपनियां आपसे खरीद के कंट्रोल कर लेंगी और उसके कंपनियां दाम निर्धारित करेंगी, नुकसान आपको भी होगा। इस बारे में थोड़ा सा आप जो एक दो लाइन में कहते हैं कि रोटी को तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे, इसके बारे में भी थोड़ा सा। ये तो है ना कि जब रोटी बाजार की वस्तु बन जाएगी तो महंगी तो होगी और भूख पे देश में कीमतें तय होगी अनाज की, तो ये देश में नहीं होने होगा। देश में जो बड़े बड़े गोदाम कंपनी के बने हैं, सरकार इनको अधिग्रहण करके अपने कब्जे में ले, इसमें गौशालाएं बने, और नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि जनता इनको तोड़ेगी। भूखा आदमी आपस में लड़ता है, छका हुआ आदमी दूसरे के खिलाफ लड़ता है, तो ये तो भूख की लड़ाई होगी। भूखा आदमी ही क्रांति जाता है दुनिया में, तो भूख पे दुनिया में व्यापार नहीं होगा। ये एक नया कॉन्सेप्ट चला है कि भूख बढ़ाओ और पैसा कमाओ, ये देश में नहीं चलेगा। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप जो आंदोलन करने वाले लोग हैं उनकी मुश्किल से जो आमदनी है वो 30-40 रुपए घंटा की है, और जिससे आपकी लड़ाई है, मैं कहूँ कि अंबानी की एक घंटे की जो कमाई है वो 90 करोड़ रुपए की है, तो इतने संसाधनों के अभाव में कैसे लड़ पाओगे आप? टूटेंगे, होगा इन पे भी कब्जा तो जनता करेगी। नहीं, एक आदमी 30 रुपए घंटा कमाता है, एक 90 करोड़ रुपए घंटा कमाता है, तो उसके पास तो बहुत संसाधन है सरकार से लेकर नीचे तक। संसाधन होने दो, संसाधन ये करेगा, जनता कर लेगी, अपने आप रास्ता ढूंढ लेगी। जनता कर लेगी तो रास्ते इतने गुना भाग होना पड़ो तो हम कर लेंगे, हम काम कर लेंगे। ये सबसे अहम सवाल ये है कि आप तमाम बार अपील भी कर चुके हैं, दोबारा आप पेज के माध्यम से स्पष्ट लोग ये सुनना चाहते हैं, जिस तरह से बच्चे को बाप रोक रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं राकेश टिकैत जी ने कह दिया अब तो हम करेंगे। अच्छा, आपका कहने का मकसद ये था कि सरकारें जो पिछले समय से कहती आ रही थी कि हमारे पास तो भाई 1-1.5 साल का सरप्लस है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा सरकार कह रही थी कि आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, तो अब बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसको भाई दान कर दो, इस तरह से कर दो, उन लोगों ने आपकी बात का पालन किया, तो एक स्पष्ट संदेश आप उन लोगों के लिए। संदेश ये है उन लोगों के लिए कि फसल को अभी ना वो टाइम है, फसल को ऐसे बर्बाद ना करो, अपनी फसल को काटो, फसल कटिंग के बाद में अपना आंदोलन में आते रहें, अपने घर का काम भी देखें और आंदोलन में भी आते रहें। फसल ये सरकार ने कहा था कि जब फसल आएगी तो किसान घर चला जाएगा, और सरकार को समझ आ जानी चाहिए कि किसान ने आंदोलन प्राथमिक पर रखा और फसल को सेकंड नंबर पर रखा। इस फसल पे आम लोगों का भी अधिकार है, ये उनको जाएगी, पशु का भी अधिकार है, जो भूसा है उसका भी नुकसान होता है, तो इसको ना बर्बाद करें। और किसानों को अब मैसेज जो था वो सरकार को दे दिया, आप आगे आंदोलन के लिए तैयार रहें, अपने ट्रैक्टर में डीजल भरवा कर तैयार रहें, अपने खेत पर नज़र रखें और आंदोलन पर नज़र रखें। 2021 का साल जो है ये आंदोलन का साल है, इसको आप घर पे छोड़ दें कि मैं चारपाई पर सोऊंगा, ये आंदोलन का साल है। आप जमीन पर सो, आंदोलन करो, दिल्ली पर निगाह रखो, कभी भी कॉल हो सकती है दिल्ली की तरफ चलने की, अपना हड़पत्ता तैयार रखें। एक आखिरी सवाल है कि देश में कृषि असंगठित क्षेत्र होने के कारण, एक दूसरे से संपर्क ना होने के कारण कभी कोई कृषि की हड़ताल नहीं हो पाई, लेकिन जिस तरह से पिछले पंचायतों में आपने कहा कि देश में कृषि की हड़ताल भी हो सकती है और लोगों ने फॉलो करना शुरू किया, और सरकार ये पहले तो ये कह रही थी कि नहीं हमारे पास तो बहुत सरप्लस है, तो क्या कोई ऐसा तरीका बना के संभव है कि देश में किसान भी कृषि की हड़ताल, एक ऐसी मजबूरी आ सकती है कि कृषि की हड़ताल करनी पड़े? अगर अनाज की कीमतें नहीं मिलेगी तो कृषि हड़ताल देश में होगी, और उसका ये होगा कि जो 20 बीघे अनाज अपना लगाता है वो जाकर 15 बीघे लगाएगा, वो कम करेगा, उससे हमारा जल बचेगा, फर्टिलाइजर बचेगा, जमीनें बचेंगी, सारी चीज़ें बचेंगी, लेकिन वो आने वाले टाइम पर होगा। कब होगा, क्या तय उसका होगा, अभी तो हमारा सरकार से है कि सरकार ज़्यादा परीक्षा ना ले, और जो हमारे MSP पर कानून बनना वो बनाए, 3 बिलों को वापसी ले, अपनी कमेटी बनाए और सरकार आगे किसानों से बातचीत करें। ऐसे संकेत मिले हैं
आम आदमी आम किसान ने, किसान के बच्चों ने जो है एक ट्रेंड चलाया है, उसमें वो चाहे किसी का भी नाम दिया हो, कहीं कहीं आपका भी नाम लिया गया है, बहुत फोन मीडिया को सब बूझ रही है, तो एक मतलब एक उस तरफ ले जाया गया और लोगों का एक माइंड सेट हुआ है कि हाँ ये भी हो सकता है। जैसे एक मैसेज चला कि हम 100 रुपये लीटर दूध देंगे 1 मार्च से, तो उससे बड़ी घबराहट भी है और उससे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं देखिए 100 रुपये तो होना चाहिए, जब 68 रुपये थैली बंद दूध बिकता है तो 100 रुपये होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो कृषि हड़ताल की बात कही थी, कहीं ना कहीं लोग उसकी तैयारी की तरफ हैं। तैयारी है, या तो सरकार MSP का रेट तय कर दे, नहीं तो किसान अगर MSP का रेट तय कर अगर फिर कहेगा कि हम इससे कम पे नहीं बेचेंगे और इससे कम पे खरीद देगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो सरकार ये चाहती है क्या कि किसान MSP पे किसान टाइट हो सकत हो? हम चाहते हैं कि कानून के माध्यम से हो, कानून अपना पालन करें और MSP पे आप गारंटी आप दे दो कि कोई भी व्यापारी या कोई भी लोग उससे कम पे ना खरीद करें। नहीं, दूध आप पैदा करते हैं लेकिन कीमत कंपनी तय करती है, तो दूध की कीमतें भी नियंत्रित करने मतलब कहीं ना कहीं सरकार को तय करनी चाहिए किसानों के साथ बैठ के। जिस हिसाब से उनके रेट बढ़ रहा है, जो खाने का सामान है वो है उसका रेट बढ़ रहा है, तो तय करनी चाहिए, किसान तय करेगा, ये सरकारों के बीच में बैठ कर तय होती नहीं, तय करेगा किसान इसको। देखिए, आपके साथ राकेश टिकैत जी थे गाजीपुर बॉर्डर से। आज 3-4 दिन के बाद बहुत सारे किसान महापंचायत है, जिसमें एक करीरी टोड़ा भी महापंचायत ऐतिहासिक हुई है, उनको करने के बाद यहाँ पहुँचे हैं और आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे और बड़ा आपको जो स्पष्टता दी है, तो आपसे भी निवेदन है कि इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने का कार्य करें। धन्यवाद। देखिए सब, दो सवाल लूँगा।